अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हसन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बहांस किचन काउंटर। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी एक न्यू स्टाइल से। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपना पॉट ले लिया और इसकी आपको आँच दिखा दूँ कि मैंने मीडियम पर कर लिया, मीडियम स्लो पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 kg ग्रेट कर ली है कैरेट लेकर और उसको इस पॉट में ऐड कर दूँगा। आजकल अभी जो मौसम चल रहा है, इसमें जो गाजर है हमारी वो बहुत अच्छी आ रही है, तो आप लोग सब ये अपने घर में ट्राई करें और अपने घर वालों को ये मज़ेदार गाजर का हलवा बना के खिलाएं। ये सारी हमने निकाल ली इसमें और इसको इस तरह हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध। दूध को इस तरह इस पर फैलाते हुए आप चारों तरफ डाल देंगे। ठीक है, और इसको एक दफ़ा और इस तरह मिक्स कर लें ताकि दूध नीचे तक चला जाए। इसमें मिल्क ऐड करने के बाद इसको लिड लगाकर हम 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट्स बाद आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, इसको 20 मिनट्स हो गए, ये सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगा और इस फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको जो हमें घी डालकर यानी प्रिपेयर करना है फाइनल, वो किस तरह करना है। सो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने इसको खाली कर लिया पॉट को और इसको मीडियम स्लो फ्लेम पे रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा तकरीबन 10-12 टेबल स्पूंस ऑफ घी। मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें चला गया घी, घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से हिला लें। मैंने यहाँ पॉट को धोया नहीं है क्योंकि गाजर के हलवा जो हमने इसमें बॉयल ही की है सिर्फ अपनी गाजर, तो कोई इतना मसला नहीं है उसमें। अब ये जैसे ही वॉर्म हो गया थोड़ा सा, इसमें मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर मैंने ली है इलायची 4 अदद, इसको डालकर इसमें थोड़ा सा जब तक पकाऊंगा जब तक थोड़े से बबल्स ना आ जाएं और इलायची की खुशबू ना आ जाए घी में। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लग गए और इलायची थोड़ी फूल गई हैं। अब मैं इलायची, मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, बस स्मेल के लिए मुझे यूज़ करना था, तो मैं इसको निकाल दूँगा। आप लोग चाहें तो इसमें रख भी सकते हैं, लेकिन ये मुंह में आती है हलवे में, फिर किसी को पसंद होती है किसी को नहीं, तो निकाल दें तो बेहतर है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो ये बॉईल अपनी गाजर की हुई थी, ये इस घी के अंदर अब डाल देंगे। इसमें हमने सारे डाल दिए। डालने के बाद इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल आपको लाइट हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा घोटना नहीं है इसको, बस इसमें ताकि घी मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चीनी, इसको मैं चीनी को ऐड कर दूँगा इसमें हलवे में। गाजर वैसे भी अच्छी आ रही है आजकल, मीठी है, तो शुगर जो है आप कम ही डालें, इसमें मीठा कम हो जाए, मीठा ज़्यादा ना हो, ज़्यादा अजीब सा लगता है, फिर कुछ लोगों को पसंद होता है कुछ को नहीं। इसको बस हल्का सा स्लाइटली हमने मिक्स कर लिया शुगर को इसमें और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे, जो हमने आपको दिखाया था उस पर हम इसको छोड़ देंगे 5-6 मिनट्स के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि साइड साइड में ये लगे ना। और 5-6 मिनट के बाद जब ये थोड़ा इसका पानी कम हो जाता है, चीनी डली है तो पानी इसमें रिलीज़ हो रहा है, शुगर का जो वाटर होता है अपना वो रिलीज़ कर रही है, और गाजर में भी थोड़ा जो हमने मिल्क ऐड किया था उसमें पानी था, तो ये पानी थोड़ा सा सूख जाए 6-7 मिनट में, तो फिर आपको दिखाते हैं। सो व्यूवर्स, इसको 6 मिनट हो गए, अभी भी इसके अंदर मैंने चेक किया है तो साइड से जब मैं कर रहा हूँ तो इसमें पानी है, तो इसको हम ज़्यादा चलाएँगे नहीं, बस साइड से आपको चेक करना है कि पानी है या नहीं है। तो इसको हम मज़ीद 6-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि इसका पानी जो है सारा खुश्क हो जाए, ताकि ये इस काबिल हो जाए घी छोड़ दे साइड साइड से, ये ताकि भूनने के काबिल हो जाएगा। घी तो हमने इसके अंदर 10 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, 2 किलो गाजर में और 1 कप चीनी ऐड की है। ठीक
ठीक है। तो अब ये जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। इसको मज़ीद 6 से 7 मिनट हो गए, अब इसके अंदर घी ये साइड साइड पे छूटने लग गया है, यानी अब ये इस कंडीशन में आ गया कि इसको भूना जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया 1 पाव खोया, 1 पाव खोए को मैं हाथ से इस तरह फैला फैला के इसमें डालूँगा ताकि ये हर जगह इक्वली चला जाए और मिक्स करने में हमें मसला ना हो। टू 50 ग्राम है ये खोया, पूरा चला गया इसमें। अब यहाँ पर मैंने एक और बात बताते चलूँ, ये मेरा स्पैचुला यूज़ करने का मकसद यही था कि गाजर बहुत ज़्यादा हमारी मैश ना हो जाए बिल्कुल, कि पता ही ना चले कि गाजर का हलवा या किसी और चीज़ का। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही इसमें गया है खोया, ये मेल्ट होने लग गया है, उसमें मिक्स होने लग गया है। अब इसको बिल्कुल स्लाइटली इस तरह हाथों से आपको मिक्स करना है। ये जब भूनने की स्टेज पे आ जाता है जब ही खोया ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। ये मिक्स हो चुका है, अब इसको हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद डिश आउट करने से पहले आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं कि क्या हो गई। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं घी साइड साइड पर आ गया है, यानी इट मींस कि हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने लिया है खोया थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए, 1/2 पाव जितना होगा, या आपको जितनी मर्ज़ी आए आप उतना डाल सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा इस पर साइड पर इस तरह मेहमानों के सामने रखते हुए ताकि अच्छा लगे थोड़ा, इसलिए गार्निशिंग कर लें इसकी। खोया डाल दें और यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे और उसको बारीक बारीक मैंने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है, तो वो ऊपर इस तरह डाल दें। और यहाँ पर मैंने लिया था पिस्ता, पिस्ता को इसमें बीच में इस तरह रख दूँगा थोड़े से, ठीक है। तो हमारी गार्निशिंग भी हो चुकी है और हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। गाजर का हलवा वैसे तो सर्दियों की सौगात होता ही है, लेकिन आज ये गाजर का हलवा बनाने का एक और भी मकसद है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम और आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हमारा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। उसकी खुशी में भी आज हमने ये सोचा कि स्वीट डिश कोई बनाई जाए, तो गाजर के हलवे से बेहतर तो इस मौसम में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम गाजर का हलवा बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।